एक ऐसा देश जहां भारत का 1 रुपया वहां की करेंसी का 325 होता है, और एक ऐसा देश जहां स्नेक वाइन यानी कि सांपों से शराब बनाई जाती है और इसे लोग बड़े प्यार से पीते हैं। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया के पड़ोसी देश वियतनाम की। आज के इस वीडियो में वियतनाम देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे। यह एक ऐसा देश है जहां आपको मनमोहक बीचेस, सस्ती शराब और कम पैसों में एक अद्भुत देश घूमने का मौका मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड टू गो। वियतनाम का नाम हम जब भी सुनते हैं तो यहाँ के रंगीन नजारों और यहाँ की सुंदर लड़कियाँ और दिल को मोह लेने वाले बीचेस की याद आ ही जाती है। यह एक ऐसा देश है जहाँ आप कम पैसों में पूरे देश का जबरदस्त नजारा देख सकते हैं। वियतनाम में कम पैसा होने के कारण यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इस देश के लोग भारतीय लोगों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वियतनाम में हिंदू की मूर्तियाँ और बौद्ध के प्रति समर्पण आज भी जीवित है। वियतनाम में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि एक समय था जब वियतनाम के सारे लोग हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बीच में चाइना ने 937 ईस्वी में इस खूबसूरत देश पर कब्जा जमा लिया। फिर 19वीं सदी में फ्रांस का भी राज्य रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों की तरह ही इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना परम धर्म मान लिया। वियतनाम की खुद की मुद्रा डोंग है, जिसे भारत की मुद्रा से कंपेयर करें तो 1 रुपया बराबर 325 वियतनामीज डोंग के आसपास है। मतलब कि अगर हम वियतनाम में 1,000 रुपए देंगे तो इसके बदले में हमें 3,25,000 के आसपास वियतनामीज डोंग मिलेंगे। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि वियतनाम बहुत ही गरीब देश है जहां पैसों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें बता दें कि वियतनाम कोई गरीब देश नहीं है। हाँ, वियतनाम सस्ता है, पर इतना भी सस्ता नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि वियतनाम में भी आपको एक दिन के 1,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोग आके इस देश में काफी पैसा लुटाते हैं, जिस वजह से अब यह देश महंगा होता जा रहा है। वियतनाम में काफी लोग यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ की अद्भुत शांति की तलाश में, और तो और कुछ लोग करने भी आते हैं, क्योंकि इस देश में वैसे वृत भले ही इनलीगल हो, लेकिन यहाँ पर इन सबका धंधा जमकर चलता है। यहाँ वैश्याओं की संख्या 75,000 से भी ज्यादा है। यहाँ पर हो ची मिन्ह सिटी में महज 2,000 रुपए में एक रात के लिए दोस्ती बनाई जा सकती है। लेकिन एक बात और कहूंगा, होटल अपना होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन विश्वास तो अपनी गर्लफ्रेंड पर भी नहीं करते, तो ये तो विदेशी है। इस देश की खास बात यह है कि यह देश अमेरिका को युद्ध में एक बार हरा भी चुका है। 1955 से 1975 तक चली इस लड़ाई में अमेरिका के 58,000 सैनिक शहीद हो गए लगभग। एक चौंकाने वाली बात यह है कि वियतनाम में एक खास तरह की स्नेक वाइन बनाई जाती है। इसके लिए राइस वाइन में सांप को डाल दिया जाता है। माना जाता है कि इसे पीने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी वाइन यानी कि स्नेक वाइन कौन कौन पीना चाहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाइक सबसे ज्यादा हमारे देश में चलती है तो आप गलत हैं, क्योंकि वियतनाम की सड़कों पर बाइक्स बहुत चलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 करोड़ बाइक्स रोज सड़क पर दौड़ती है, जो कि इसके क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। एशिया पूर्व में स्थित यह देश दुनिया भर में काजू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। यह काजू का उत्पाद बड़े पैमाने पर किया करता है। वियतनाम में लोग सूअरों को घरेलू जानवर के रूप में काफी पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुत्ता पाला जाता है, वैसे ही वियतनाम में सूअर पाला जाता है। अब पता नहीं क्या बेनिफिट होता है। अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो कुछ भी खरीदने से पहले उसका रेट पूछ लें और निगोशिएट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस देश के कुछ लोग टूरिस्ट को लूटने में सबसे आगे हैं। वियतनाम देश तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन घूमने के लिए हमेशा गूगल मैप का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग टूरिस्ट से पैसा ज्यादा वसूलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ये कहेंगे कि ट्रेन उस जगह से नहीं जाती, आप हमारे साथ कार में चल सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वियतनाम खाना सबसे खतरनाक खाना है। यहाँ चाइना का भी अच्छा खासा प्रभाव खाने में देखा जाता है। यहाँ बिच्छू से लेकर सांप और कॉकरोच से लेकर केकड़े बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ बिल्लियाँ खाना भी अच्छा खासा प्रचलन में है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वियतनाम में बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ आपको देसी खाना मिल जाएगा, पर देसी बोतल नहीं मिलेगी। वियतनाम बहुत ही सस्ता देश है, जहाँ आप 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं।
जिसमें शराब का भी मजा उठाना है तो 60 रुपए ऐड और कर लीजिए। वैसे तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इसके सेवन से बचे। वियतनाम जाने आने का टोटल फ्लाइट खर्च दिल्ली से लगभग 19,000 के आसपास है और सिंगल एंट्री वीजा का शुल्क 3,000 रुपए है। वीजा अप्लाई करने के लिए दिल्ली के वियतनाम एम्बेसी में आपको संपर्क करना होगा और अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वियतनाम में डेली आप सिंगल पर्सन के लिए 1,000 रुपए खर्च कर सकते हैं अगर ताका झाकी न की जाए तो। तो दोस्तों ये थी वियतनाम के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो माफ करें। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस देश पर देखना चाहते हैं और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।